हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं अय्यूब पार्क के स्नैक हाउस में। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के सांप मौजूद हैं, तो आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर किस किस नस्ल के सांप मौजूद हैं। तो अय्यूब पार्क के स्नैक हाउस में कितने किस्म के स्नैक्स मौजूद हैं, इस बात की गाइड आप लोगों को स्नैक हाउस में दाखिल होते ही आप लोगों को साइन बोर्ड में मिल जाएगी। और इस स्नैक हाउस में तफरी के लिए आने वाले लोगों के लिए गाइड भी मौजूद हैं, जो कि टूरिस्ट की रहनुमाई के लिए हर वक्त बिजी रहते हैं। तो आप लोग जैसे स्नैक हाउस के अंदर एंटर होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ केजेस नज़र आएंगे। तो इस वाले केज के अंदर बड़ी साइज़ वाली लिज़र्ड मौजूद है। तो इसको देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था और सच में ये देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी है। और इसके साथ ही वाले केज में एक रैबिट भी मौजूद है। तो आप लोग बेफिक्र रहें और आप लोग बिल्कुल भी बोर मत होइएगा, मैं आप लोगों को स्नैक्स भी बहुत सारे दिखाऊँगी। तो अब हम लोग आ गए हैं स्नैक्स की तरफ। तो फर्स्ट वाले एक्वेरियम में आप लोगों को वाटर स्नैक्स नज़र आ रहे होंगे। तो वाटर स्नैक्स ज़्यादातर पाकिस्तान में पाए जाते हैं एंड मोस्टली ये झील, दरिया यानी कि पानी वाली जगहों में मौजूद होते हैं। तो वाटर स्नैक्स नॉन पॉइजनस होते हैं और ये हर एक महीने के बाद अपनी स्किन को उतारते हैं और इनकी स्किन झिल्ली टाइप होती है और अक्सर इनकी स्किन मेडिसिन में भी यूज़ की जाती हैं। तो अब अगले एक्वेरियम में वाइपर स्नैक्स हैं। तो वाइपर स्नैक्स बहुत ज़्यादा पॉइजनस स्नैक होते हैं। तो अगर ये स्नैक किसी को काट ले और अगर उस शख्स को वक्त पर ट्रीटमेंट ना मिले तो उस शख्स की 15 से 20 मिनट के अंदर डेथ भी हो सकती है। तो इन सांपों की आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची होती है और ये पाकिस्तान के दरियाई इलाकों और सब्जा वाली जगहों पर पाया जाता है और इनसे कोशिश करें कि आप लोग दूर ही रहें। तो ये स्नैक्स साइज में थोड़े से छोटे होते हैं और ये नैनो सेकंड में अटैक करते हैं और इस सांप का बाइट क्या वह कभी बचता नहीं है और ये अपनी बॉडी को जलेबी के शेप में बना लेता है, तो इसलिए स्नैक को हम लोग जलेबी स्नैक भी कहते हैं। तो इस बोर्ड में आप लोगों को डिफरेंट साइज के स्नैक्स के पॉइजन के बारे में बताया गया है। तो अगला एक्वेरियम रॉयल स्नैक का है। तो ये एक हार्मलेस स्नैक होता है, ये कुछ भी नहीं कहता है और ये आमतौर पर घरों वगैरह में पाया जाता है और ये ख़तरनाक बिल्कुल भी नहीं होता है और ये गैर जहरीला सांप होता है, लेकिन लोग इसके साइज़ को देखकर इससे डर जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता दी चलूँ कि ये बिल्कुल फ्रेंडली एंड हार्मलेस स्नैक होता है। तो अब जो आप लोगों को ये टाइगर नज़र आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसकी स्किन बिल्कुल ओरिजिनल है और इसको अंदर से स्टफ़ किया गया है। तो अब इस बोर्ड पे स्नैक्स के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में मेंशन किया गया है। तो अब इस ट्री पर कोबरा का स्टैचू प्लेस किया गया है जो कि देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। तो अब अगले एक्वेरियम में पाइथन स्नैक है। तो इसको उर्दू में अजदहा भी कहते हैं। तो इस स्नैक में पॉइजन नहीं होता है और ये अपनी खुराक को जकड़ कर मारता है, यानी कि ये अपनी खुराक को स्वालो करता है और ये सब्जा झीलों और दरियाओं के किनारे में पाया जाता है और ये पानी और खुश्की दोनों जगहों में रहता है। तो अब आप लोगों को बोर्ड देखकर तो समझ में आ ही गया होगा कि अब हम लोग कोबरा स्नैक्स की तरफ आए हैं। तो कोबरा स्नैक्स को किंग ऑफ द स्नैक्स कहते हैं। तो ये स्नैक्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और पाकिस्तान में ये स्नैक्स ज़्यादातर सिंध और पंजाब में पाए जाते हैं। तो ये स्नैक्स ज़्यादातर आबादी वाले एरियाज में रहते हैं और मोस्टली लोग इनको देखकर पहचान जाते हैं कि ये कोबरा स्नैक है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि ये लेंथ में ज़्यादातर लंबे होते हैं और ये अपनी लाइफ में बस एक बार ही स्किन को चेंज करते हैं। और यहाँ पर कोबरा स्नैक्स को अंडों और गोश्त की फीड दी जाती है। तो अब अगला एक्वेरियम धर्मन स्नैक का है। तो ये आमतौर पर घरों में पाया जाता है और इसकी खुराक रेट्स एंड फ्रॉग होती है और ये ज़्यादातर पाकिस्तान में पाया जाता है। तो आज हम लोगों ने स्नैक्स की काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ देखी। तो ये स्नैक हाउस काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। तो आमतौर पर देखा जाता है कि जहाँ पर बर्ड्स एंड एनिमल्स होते हैं वो जगहें ज़्यादातर साफ़ सुथरी नहीं होती हैं, लेकिन ये स्नैक हाउस काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा भी है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी बना हुआ है और इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा सेफ़ भी है विजिटर्स के लिए भी एंड स्नैक्स के लिए भी। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कॉमेंट्स में बताएँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी।
जाएगी। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।